मंडी में छोटे किसान परेशान हो रहे हैं। बड़ी खबर बता दें, बैतूल से कृषि उपज मंडी में छोटे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। 2 से 3 दिन मंडी में उपज बेचने का इंतजार उन्हें करना पड़ रहा है। काफी अव्यवस्थाएं यहां पर हैं। ठंड में खुले परिसर में रातें गुजारने को किसान मजबूर हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, मंडी प्रबंधन का भेदभाव साफ नजर आ रहा है। पहले रसूखदार लोगों की उपज खरीदी जाती है, पीड़ित छोटे किसानों ने व्यवस्था सुधारने की गुहार लगाई है। तस्वीरें भी सामने आई है। रात भर किसान मंडी में ही ठहरने को मजबूर हैं और मंडी प्रबंधन पर आरोप ये है किसानों का कि जो बड़े किसान होते हैं, रसूखदार होते हैं, पहले उनकी उपज की खरीदी की जाती है और इसके बाद छोटे किसानों का नंबर आता है, लेकिन कई बार तो ये नंबर आ भी नहीं पाता और पहले रसूखदार लोगों की उपज खरीदी जाती है और पीड़ित छोटे किसानों ने व्यवस्था सुधारने की गुहार प्रबंधन से, प्रशासन से लगाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, ठंड में खुले परिसर में रातें गुजारने को किसान मजबूर है। बैतूल से ये तस्वीरें सामने आई है। मंडी प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप लग रहा है। प्रबंधन पर आरोप यह है कि पहले रसूखदारों की उपज खरीदी जाती है, छोटे किसानों पर ध्यान नहीं दिया जाता, लिहाजा छोटे किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडी में रात भर इंतजार करते हैं, खुले में ही सोने को मजबूर हैं। पीड़ित छोटे किसानों ने व्यवस्था सुधारने के लिए गुहार लगाई है मंडी प्रबंधन से और प्रशासन से। कृषि उपज मंडी में छोटे किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। बड़ी खबर बैतूल से आपको बता रहे हैं, अन्नदाता परेशान है। 2 से 3 दिन मंडी में उपज बेचने का इन्हें इंतजार करना पड़ता है और ठंड में खुले परिसर में ही रात को किसान ठहरने को मजबूर हैं ताकि उनकी उपज को प्रबंधन खरीद सके। आरोप यह है मंडी प्रबंधन पर कि मंडी प्रबंधन भेदभाव कर रहा है छोटे किसानों के साथ और जो बड़े किसान हैं, जो रसूखदार हैं, उन्हें पहले प्राथमिकता यहां पर दी जाती है और इस व्यवस्था को सुधारने के लिए अपनी पीड़ा को लेकर मंडी प्रबंधन से और प्रशासन से किसानों ने गुहार भी लगाई है, लेकिन अभी तक नतीजा सिफर है, कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। लिहाजा अन्नदाता परेशान हो रहा है और खुले आसमान के नीचे अपनी उपज के साथ ठंड में सोने को मजबूर है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक प्रबंधन का, प्रशासन का ध्यान इस पर जाता है और ये अनियमितता दूर की जाती है और कब तक सख्ती बरती जाती है उन जिम्मेदारों के खिलाफ जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं कि छोटे किसान परेशान हो रहे हैं और रसूखदारों की उपज पहले वो खरीद रहे हैं, ऐसा प्रबंधन पर आरोप ही लगातार किसान लगा रहे हैं। बैतूल से बड़ी खबर आपको बता दें, छोटे किसान काफी परेशान हो रहे हैं। मंडी प्रबंधन पर उन्होंने आरोप लगाया कि हम पर ध्यान नहीं दिया जाता, हमारी उपज नहीं खरीदी जाती है। और हमारे सहयोगी अरुण सूर्यवंशी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अरुण, निश्चित तौर पर ये काफी दुखद बात है कि ठंड में रात भर किसान सोने को मजबूर हैं। मंडी प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप लगा है कि इन पर ध्यान नहीं दिया जाता और केवल रसूखदारों की ही सुनवाई यहां पर है। क्या अभी तक प्रबंधन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इन किसानों की कोई सुनवाई हो पाई है? जी, मैं आपको बता दूं कि जब भी किसानों की आवक बढ़ती है तभी हर वर्ष मंडी में यही हाल होते हैं कि किसानों को दो दो दिन तक अपनी उपज बेचने के लिए सड़कों पर इंतजार करना पड़ता है। मंडी की तरफ से किसानों के लिए किसी भी प्रकार में ठंड की व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं दो दो दिनों तक किसानों को अपने ट्राली के ऊपर ठंड में रहना पड़ता है, ना ही इनकी खाने की व्यवस्था होती है, ना रुकने की व्यवस्था होती है। कई बार अनाज चोरी होता है, इस चक्कर में किसानों को अपने उपज लेकर वहीं खड़े रहना पड़ता है। अरुण, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किसानों ने मंडी प्रबंधन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। आरोप ये लगा है कि पहले बड़े किसानों की, रसूखदारों की उपज खरीदी जाती है, लेकिन क्या प्रबंधन की तरफ से इस पर किसी भी तरह का संज्ञान लिया गया है या फिर इन आरोपों पर कोई जवाब उनकी तरफ से आया है? प्रबंधन का तो हर बार यही कहना रहता है कि हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, लेकिन किसानों का जायज कहना है क्योंकि किसानों को दो दो दिन तक इंतजार करना पड़ता है और जो व्यापारी वर्ग के लोग जो आते हैं बाहर से, इनका माल पहले खरीद लिया जाता है और किसानों को वेट करवाया जाता है, जो कि जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अरुण, आपसे भी जानना चाहेंगे कि मंडी प्रबंधन के तरफ से जिस तरह से आरोपों पर सफाई पेश की गई है, लेकिन हकीकत में अभी कितने किसान वहां पर मौजूद हैं जो अपनी उपज बेचने का इंतजार कर रहे हैं? अभी यहाँ पर तकरीबन सैकड़ों की संख्या में किसान है जो कि अपनी रात रात भर इंतजार करता है और सुबह 6 बजे से मंडी प्रबंधन का कहना है कि इनको अभी अंदर लिया जाएगा टोकन के सहारे, और जितनों को टोकन बांटा जाता है वो अंदर आते हैं, बाकी के किसान बाहर ही रहते हैं, दूसरे दिन अपना इंतजार करते हैं। चलिए, फिलहाल देखना होगा कि व्यवस्था कब तक दुरुस्त की जा पाती है और जो छोटे किसान उनकी सुनवाई कब तक होती है। बहुत शुक्रिया अरुण आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। और इसी के साथ 10 बजे 10 ब्रेकिंग में